हाय एवरीवन, गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब सब्सक्राइबर। तो आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक न्यू लोकेशन। तो बहुत ही प्यारी जगह है, आप लोगों को आज अपनी तहसील धर्मपुर जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है हिमाचल प्रदेश के, तो यहाँ पे जो हमारे MLA साहब हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करवाई है और बहुत विकास किया है हमारी तहसील का। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे ब्लॉग में, बहुत ही खास है हमारा आज का ब्लॉग। ये जो सामने आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, तो इनकी डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो सामने ऑरेंज कलर की बिल्डिंग है, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सरकाघाट है। और इसके साथ में जो येलो कलर की काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो साई बिल्डिंग है। और ये है धर्मपुर का बस स्टैंड। ये जो येलो कलर की साई बिल्डिंग मैंने आप लोगों को दिखाई, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन आप ले सकते हो। यहाँ पे ITI और डिप्लोमा विभिन्न ट्रेडों में करवाया जाता है। विंटर का सीज़न चला हुआ है, तो लोगों ने देखिए लकड़ियाँ अपने घर की छत पे सुखाने के लिए रखी हुई हैं और साथ में उपले भी हैं। तो आजकल ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हिमाचल में। तो जैसे कि प्रीवियस ब्लॉग में मैंने और प्रियंका ने आप लोगों को बताया था कि हम जा रहे थे अपने नानके, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लोकेशन है बरोटी की। बरोटी में ही मेरे नानके पढ़ते हैं। तो ये आए हम यहाँ पे, निवास स्थान है हमारे नानके का। तो ये घर है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। और आपको देखिए बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाता हूँ बैकग्राउंड में मैं, ये देख सकते हैं आप, ये पहाड़ों की सुंदरता और नानू। तो चलिए अपने नाना नानी का घर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने बाहर से तो आप लोगों को दिखा दिया, अब अंदर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने अपना घर, कुछ इस तरह से है ये एंट्री और इस तरह की टाइल्स लगाई हुई है। और ये जो लेफ्ट साइड को है, ये है मेरे मामा जी का रूम। तो बहुत ही सुंदर मेंटेन किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से है रूम। से बाहर निकलते ही अब चलते हैं सामने वाले रूम की तरफ। तो यहाँ पे भी सेम टाइल्स इन्होंने लगाई हुई है फ्लोर पे। और यहाँ पे नाना और नानी जी का रूम है ये, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बेड है सिंपल और TV एकदम लेटेस्ट। जैसे ही नाना नानी के रूम से बाहर में आऊँगा, तो यहाँ पे सामने किचन है और किचन के इस साइड को भी एक रूम है। तो यहाँ पे मैं लाइट कर देता हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा रूम कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इन्होंने अपना सामान वगैरह भी रखा हुआ है। और यह है इनका किचन। तो चलिए किचन की तरफ मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। किचन में इन्होंने रखे हुए हैं देखिए कद्दू पेठू, जो हमारे मंडियाल धाम में यूज़ होते हैं। और अभी थोड़ा सा काम चला हुआ है घर का, तो कुछ इस तरह से है किचन। और ये इन्होंने अपना राशन पानी रखा हुआ है। और ये गेस्ट रूम है, ये देख सकते हैं, ये भी काफ़ी सुंदर इन्होंने सजाया हुआ है। इस तरह से सोफे वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये था इनका घर, जो मैंने अंदर से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बहुत ही प्यारा है, 4 रूम है, 1 किचन और वॉशरूम। प्रीवियस कमेंट्स हम लोगों ने काफ़ी ध्यान से पढ़े, तो ये आप लोगों को अपनी नानी और मामी से मैं मिलवा देता हूँ। तो मम्मी के साथ जो बैठे हुए हैं, ये मम्मी के रियल चाची जी हैं और हमारे नानी जी लगते हैं ये। और ये है मेरे मामा जी की नन्ही सी परी, इसका नाम भाभियांसी है। मेरे साथ खाएंगे ना।
आप खाया था ना आपने मेरे साथ बंद कर देते अपने पापा को बुला खाना खाने आप लोगों की कंफ्यूजन को मैं दूर कर लेता हूं क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो सोचने लगेंगे कि हमने बताया हुआ था आप लोगों को कि हमारे मामा जी और नानी वगैरह कसौली में रहते हैं। तो जी हां, उन्हें डिस्ट्रिक्ट सोलन में सेटल हुए हो गए हैं 35 साल वो वहीं पर रहते हैं और ये जो ब्रोटी में मकान है यहाँ पे पहले निवासस्थान हुआ करता था मेरे नानके का, लेकिन यहाँ पे जो पुराना घर है उसको इन्होंने तोड़ दिया है और अब यहाँ पर रहते हैं मम्मी के चाचा चाची और इन्होंने घर को कुछ इस तरह से बना दिया है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया अंदर से घर। तो और जो इनके बेटे हैं मम्मी के चाची जी के, मेरे मामा जी रहते हैं कसौली में, वो वकील हैं और मामी भी उनके साथ ही रहती है। अपनी मामी और नानी जी से तो मैंने आप लोगों को मिलवा दिया था, तो अपने नाना जी से भी आप लोगों को मिलवा देते हैं। ये हैं हमारे नाना जी, तो आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ हस्तकला का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आगे से आगे बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन चीज़ों से जुड़ी रहें और उनका वो नॉलेज भी बढ़ता रहे। हाँ बढ़िया, ये आप लोगों ने देखा कि हमारे नाना जी किस तरह से रस्सी तैयार कर रहे थे और इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इन चीज़ों को समझें कि हमारे बुजुर्ग किस तरह से काम किया करते थे और किस तरह से उनका कल्चर था। अपने कल्चर को आगे से आगे बढ़ावा देना ही चाहिए और मेरी तो यही सोच है कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी हरी भरी वादियों के बीचों बीच में है ये गांव, बहुत ही प्यारा है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि मम्मी को हेल्थ के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। तो मम्मी जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन जहाँ पे हमारे मामा जी का घर है, तो वहाँ पे ही डॉक्टर वगैरह से अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो उसी चक्कर में मम्मी जी को जाना पड़ रहा है सोलन। तो आज के ब्लॉग की कर रहा हूँ यहीं पे एंडिंग, कल मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ।